गुड मॉर्निंग, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हमें करनी है हमारी विंडो सर्वर की लैब, जिसके अंदर आज हमें देखना है कि हम विंडो सर्वर पे अपनी स्टैटिक वेबसाइट कैसे बना सकते हैं। बहुत ही आसान लैब है और बहुत मजेदार लैब है इसी टू इंस्टांस की, और आज हमें इसे करके देखना है। तो आप सर्विसेज पे क्लिक करें। सबसे पहले यहाँ पर आप कंप्यूट के अंदर इसी टू का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ पे आपको रनिंग इंस्टांसिस का ऑप्शन दिखेगा। अभी मेरे जीरो इंस्टांसिस रनिंग है, इसलिए यहाँ जीरो दिखा रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करें। यहाँ पे अभी कोई इंस्टांस नहीं बना हुआ है, इसीलिए मुझे इस तरीके का शो हो रहा है। तो आपको लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लॉन्च इंस्टांस पे क्लिक करिए, यहाँ आप विंडो सर्वर सिलेक्ट कर लें। थोड़ा सा नीचे आप जाएंगे तो आपको यहाँ विंडो सर्वर 2012 नजर आएगा, 2012 R2 बेस, आप इसे सिलेक्ट कर लें। यहाँ पे जनरल पर्पस T2 माइक्रो ही आपको लेना है, क्योंकि ये फ्री टीयर एलिजिबल है और आपको यहाँ लिखा भी हुआ मिल रहा है, देखिए कि माइक्रो इंस्टांसिस आर एलिजिबल फॉर द AWS फ्री यूसेज टीयर फॉर फर्स्ट 12 मंथ। तो आपको 750 घंटे फ्री मिलेंगे हर महीने T2 माइक्रो के, तो ये बहुत ज्यादा होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप T2 माइक्रो ही सिलेक्ट करें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टांसिस आप कितने क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप एक साथ चार इंस्टांस क्रिएट करना चाहते हैं तो आप चार बना दें, तो एक साथ चार इंस्टांसिस आपके क्रिएट हो जाएंगे, चार विंडो सर्वर क्रिएट हो जाएंगे। पर मैं फिलहाल एक ही बनाना चाहता हूं, तो आप यहां पे एक रखें। परचेजिंग ऑप्शन, आप अगर यहां पे स्पॉट इंस्टांस लेना चाहते हैं तो आप यहां टिक करें। तो आपको अभी मुंबई रीजन के अंदर मैं हूं, तो यहां मुझे ये बिल पड़ेगा स्पॉट इंस्टांस का। अगर आप नहीं लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट ये ऑन डिमांड इंस्टांस को क्रिएट करता है। यहाँ पे जो नेटवर्क है वो मेरा डिफॉल्ट है, वीपीसी जो मैंने लिया हुआ है। अगर आपने अपना वीपीसी क्रिएट किया है तो आप उसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सबनेट में अगर आप जाएंगे तो यहाँ डिफॉल्ट आप ले सकते हैं या अपनी मर्जी से भी कोई सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज मैं 1A लेना चाहता हूँ, तो मैं ये अवेलेबिलिटी जोन सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरी मर्जी है, मैं किसी में भी क्रिएट कर सकता हूँ। मैं जिस सबनेट में क्रिएट करूंगा EC2 इंस्टांस उस सबनेट में क्रिएट होगा। अब क्या आप इसे पब्लिक आईपी देना चाहते हैं? जी हाँ, हम बिल्कुल देना चाहते हैं। तो ये इनेबल होना चाहिए, क्योंकि तभी आपका इंस्टांस जो है वो इंटरनेट के थ्रू पूरी दुनिया में कहीं से भी एक्सेस हो सकता है। उसके बाद ये सारी चीजें आप रहने दें, अभी कोई जरूरत नहीं है इन्हें आपको देखने की। बाकी यहाँ पे शटडाउन बिहेवियर है, अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं कि शटडाउन होने पे टर्मिनेट हो जाए अपने आप, तो आप ये बिहेवियर लगा सकते हैं। अगर आप इसे डिलीट करने से रोकना चाहते हैं कि इसे कोई एक्सीडेंटली डिलीट ना कर सके, तो आप वो काम भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ इनेबल टर्मिनेशन प्रोटेक्शन का ऑप्शन दिखेगा, आप इसे सिलेक्ट कर लें तो ये डिलीट नहीं होगा। मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं इसे डिलीट करने लगूंगा, तो ये उस टाइम डायरेक्टली डिलीट नहीं हो पाएगा, तो आप इसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ प्रोटेक्ट कर देता हूँ। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे रूट वॉल्यूम मेरा बाय डिफॉल्ट 30 GB होता है, तो यही ले लेते हैं, काफी है। वॉल्यूम टाइप आपको दिख रही है, जनरल पर्पज है, प्रोविजन है, मैग्नेटिक है। इसके बारे में स्टोरेज के अंदर आपको मैं सारी चीजें डिटेल से बताऊंगा, तो जनरल पर्पज ही रहने देते हैं डिफॉल्ट। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ टैग अगर आप लेना चाहते हैं तो आप ले लें, नेम इसको यहाँ पे दे दें और यहाँ वैल्यू दे दें वेब सर्वर। नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहाँ एक नया आप सिक्योरिटी ग्रुप बना लें और उसे नाम दे दें वेब सिक्योरिटी, और यहाँ पे आप RDP ले लें RDP के साथ, क्योंकि हमें इंटरनेट भी एक्सेस करना पड़ेगा, तो HTTP भी आप ले लें, और यहाँ पे दोनों को एनीवेयर आप कर दें, और आप चाहे तो एक और HTTPS प्रोटोकॉल लगा लें और इसको भी एनीवेयर कर दें। तो तीन प्रोटोकॉल आप ले लें। उसके बाद रिव्यू एंड लॉन्च पे क्लिक करें, यहाँ लॉन्च पे क्लिक करें। यहाँ की पेयर बनाने को आपसे बोलेगा, तो यहाँ पे एक नया की पेयर आप बनाएं, इसको नाम दे दें आप वेब सर्वर की, और इसे डाउनलोड आप कर लें। डाउनलोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी आपकी की फाइल। उसके बाद यहाँ आपको लॉन्च का ऑप्शन दिखेगा, लॉन्च इंस्टांस का, इस पर आप क्लिक करें। यहाँ पे आप नीचे जाएंगे, यहाँ व्यू इंस्टांस का ऑप्शन दिखेगा, इस पर क्लिक करें। अब ये देखिए मेरा वेब सर्वर क्रिएट हो रहा है, इसमें टाइम लग रहा है तकरीबन 3 से 4 मिनट के आसपास इसको रेडी होने में लगते हैं। तो एक बार ये रेडी हो जाए फिर मैं आपको बाकी चीजें दिखाता हूँ। तो मेरा सर्वर रेडी हो गया है, आप देखिए, तो इसे तकरीबन 3 से 4 मिनट लगे हैं। इसके बाद मैं आपको थोड़ी सी नीचे सेटिंग दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये ऊपर नीचे करने का है, तो यहाँ जैसे ही आप इस पेन को ऊपर करेंगे तो यहाँ डिस्क्रिप्शन के अंदर आप देखिए ये आपकी इंस्टांस आईडी है, आप इसे यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। इंस्टांस स्टेट सिस्टम है, रनिंग है, और कौन सा इंस्टांस टाइप आपने लिया हुआ है, T2 माइक्रो आपने लिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आपको पब्लिक आईपी नजर आ रही है और इसकी प्राइवेट आईपी आपको यहाँ नजर आ रही है, तो पब्लिक और प्राइवेट दोनों आपको नजर आ रही है। आईपी वर्जन 6 आईपी आपको नहीं दिखेगी, क्योंकि ये हमने यूज नहीं की है। अवेलेबिलिटी जोन देखिए 1A में ही ये क्रिएट हुआ है मेरा सर्वर,
क्योंकि मैंने खुद से सिलेक्ट किया था वहां पे 1A, अगर आपको याद हो। सिक्योरिटी ग्रुप मैंने वेब सिक्योरिटी के नाम से बनाया था, वो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है। और मैंने अपनी जो टर्मिनेशन प्रोटेक्शन थी वो भी मैंने ट्रू की हुई थी, इनेबल की थी वहां पे, आपको याद हो, कि इसे कोई डिलीट ना कर पाए। तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो अभी मैं टेस्टिंग करके आपको, मैं अगर एक्शन में जाके इसे टर्मिनेट करने की कोशिश करूंगा, आपको एक्शन में जाना है, इंस्टेंट स्टेट में जाना है और टर्मिनेट पे जाना है, और मैं क्लिक करता हूं तो देखिए मेरे पास टर्मिनेशन का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन मेरे को आ ही नहीं रहा, मैं इस पर क्लिक ही नहीं कर सकता, ये ऑप्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैंने इनेबल किया हुआ है टर्मिनेशन प्रोटेक्शन को। तो मुझे अगर इसे टर्मिनेट करना है तो वो कैसे करना है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले अभी ये लैब कर लेते हैं। तो अब आपका अगर ये सर्वर रनिंग हो गया तो आप कनेक्ट पे क्लिक करें, यहां आपको ऑप्शन दिखेगा डाउनलोड रिमोट डेस्कटॉप फाइल, आप इस पे क्लिक करें। उसके बाद आप गेट पासवर्ड पे क्लिक करें, यहां आपको वही फाइल सिलेक्ट करनी है चूज फाइल में जो अभी मैंने क्रिएट एक डाउनलोड की थी एक फाइल मैंने। तो मैं यहां पे जाता हूं, वो फाइल थी मेरी वेब सर्वर की के नाम से, तो मैंने उसे सिलेक्ट कर लिया है। मैं अभी से डिक्रिप्ट पासवर्ड पे क्लिक करता हूं, तो देखिए मेरा पासवर्ड डिक्रिप्ट होके छोटा सा हो गया। तो यहां आप इसे कॉपी करके याद से नोट पैड पे जरूर लिख लें, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। आप इसे नोट पैड पे लिख के रख लें और अब आप इसे क्लोज करें। अब आपने जो आरडीपी फाइल डाउनलोड की है, अब आप इसे ओपन करें, यहां पे आपको कनेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप कनेक्ट पे क्लिक करें। यहां आपसे पासवर्ड पूछेगा, तो जो मैंने अभी नोट पैड पे लिखा है उसी को मुझे यहां पेस्ट करना है, और मैं अब इसे ओके कर देता हूं। यहां ये आपसे पूछेगा तो यहां आप यस कर दें। तो ये देखिए मेरा विंडोज सर्वर लॉन्च हो गया है। यहाँ पे ये मुझे दिखा भी रहा है कि मेरी पब्लिक आईपी ये है 13.126.238.46 और प्राइवेट आईपी मेरी ये है। मेरा जो अवेलेबिलिटी जोन है वो एशिया पैसिफिक साउथ है, यानी कि मुंबई रीजन है, और जो इंस्टांस मैंने लिया है वो T2 माइक्रो लिया है और AMD 64 का आर्किटेक्चर यानी प्रोसेसर मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ नजर आ रही है। अब आपको यहाँ नीचे देखिए सर्वर मैनेजर का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आप इस पे क्लिक करें। यहां आपको एड रोल एंड फीचर्स का ऑप्शन नजर आएगा, आपको इस पे क्लिक करना है, यहां आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपको यहां रोल बेस्ड और फीचर बेस्ड इंस्टॉलेशन ही रहने देना है, इसी को सिलेक्ट रखना है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। यहां ये सर्वर पूछ रहा है कौन सा सर्वर, तो यही हमारे पास एक ही सर्वर है, तो यही आप सिलेक्ट रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। यहां आपको जो फाइल इंस्टॉल करनी है वो वेब सर्वर की करनी है, क्योंकि हम वेब सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उसे सिलेक्ट करें। उसे सिलेक्ट करते ही ऐड फीचर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पे आप क्लिक कर दें, नेक्स्ट पे क्लिक करें, दोबारा से नेक्स्ट पे क्लिक करें, फिर से आप नेक्स्ट पे क्लिक करें, यहां पे आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब यहां आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिख रहा है, अगर इंस्टॉलेशन के बाद आप रिस्टार्ट करना चाहते हैं तो यहां टिक कर दें, पर मैं रिकमेंड करूंगा आप ना करें, फिलहाल आप इसे डायरेक्ट इंस्टॉल कर दें। तो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस मेरा स्टार्ट हो गया है। एक बार ये मेरा इंस्टॉल हो जाए उसके बाद मैं आपको आगे के स्टेप्स दिखाता हूँ। तो लीजिए मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, अब मैं क्लोज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप सर्वर मैनेजर को भी क्लोज कर दें। अब आपको ये नीचे एक फोल्डर दिख रहा होगा, इस फोल्डर पे आप क्लिक करिए, यहां आपको लोकल सी ड्राइव दिखेगी अपने सर्वर की, इस पे आप क्लिक करिए। यहां आप एक नया फोल्डर बन गया होगा वेब सर्वर इंस्टॉल करने की वजह से, iNet Pub के नाम से, इसको आप सिलेक्ट करिए। इसके अंदर लास्ट में एक ऑप्शन होगा www root, इसको आप सिलेक्ट करिए। यहां इसके अंदर दो फाइल मिलेंगी, इन्हें आप दोनों को कंट्रोल ऑल करके सिलेक्ट करें और दोनों को डिलीट कर दें। यहां पे अब ये खाली हो गया है, अब आप माउस का राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं और यहां आप सिलेक्ट करें टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। अब इस डॉक्यूमेंट के ऊपर डबल क्लिक करें तो ये डॉक्यूमेंट आपका ओपन हो गया। यहां पे लिखिए दिस इज माय फर्स्ट स्टैटिक वेबसाइट रनिंग इन मुंबई। ओके, इसके बाद आप फाइल पे जाएं, सेव एज पे क्लिक करें। यहां पे आप इसको जो नाम देना है वो आप index.html देंगे, आपने कुछ और नाम नहीं देना, आपने index.html नाम ही देना है, सेम नाम देना है। ऑल फाइल्स आप यहां सिलेक्ट करें, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट सिलेक्ट नहीं करना, आपको सेव एज टाइप में ऑल फाइल्स आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है,
और यहां आप इसे सेव कर दें। अब आप इसे क्लोज कर दें तो आप देखें ये इंडेक्स के नाम से एक इस तरीके की फाइल आपकी क्रिएट हो गई होगी, जहां पर ये इंटरनेट एक्सप्लोरर का साइन आपको दिख रहा होगा। ये तो नीचे न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट मेरा रह गया, इसको मैं डिलीट कर देता हूं, उसकी मुझे जरूरत नहीं है। इसे सिलेक्ट करके आप डिलीट कर दीजिए, खाली इंडेक्स वाली ये फाइल रहने देना जिसमें आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर का साइन दिख रहा है। अब आप इसे क्लोज करें, आपकी वेबसाइट रेडी हो चुकी है दोस्तों। अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं, तो इसे मिनिमाइज करते हैं। मैं अपने नॉर्मल कंप्यूटर के गूगल क्रोम में जाता हूं, यहां पे मैं जो मेरी सर्वर की पब्लिक आईपी है, ये मेरा सर्वर है वेब सर्वर, इसकी पब्लिक आईपी ये है 13.126.238.46, तो इसे यहां से कॉपी करिए आप। उसके बाद आप गूगल क्रोम में जाइए, यहां पे नए टैब में आइए और इस आईपी एड्रेस को पेस्ट करिए और एंटर पे क्लिक करिए। परफेक्ट, ये देखिए मेरा सर्वर मुझे नजर आ रहा है। अब ये आईपी एड्रेस आप अपने किसी भी दोस्त को, जो भी कहीं भी रहता हो, आप उसको ये आईपी एड्रेस सेंड करना, उसको बोलना यार जरा इसको सर्च करो गूगल पे तुम्हें क्या नजर आ रहा है, तो जो भी आपने वेबसाइट पे लिखा होगा वो उसको नजर आ जाएगा, ठीक है ना। अगर आपने आई लव यू भी लिखा होगा तो उसको वो भी नजर आ जाएगा, ठीक है। आपने आईपी एड्रेस उसको बताना है और उसको कहना है कि आईपी एड्रेस आप गूगल पे सर्च करो, तो वहां पे आप अपना लव लेटर लिख के दे दें उसको, उसको लव लेटर मिल जाएगा, तो बढ़िया चीज हो गई, है ना। तो ये वेब सर्वर है, ये पूरी दुनिया में आपको नजर आएगा, ठीक है, कोई मसला आपको नहीं होगा। पूरी दुनिया में आप कहीं पर भी आज की डेट में इसे, मैं देखो अभी मैं इस आईपी एड्रेस को अगर मैं अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में भी ओपन करूंगा माइक्रोसॉफ्ट एज के अंदर, तो भी ये मुझे नजर आएगा। मैं कहीं पर भी पूरी दुनिया में अभी इस आईपी एड्रेस को सर्च करूंगा, देखो मुझे स्टैटिक पेज मेरा नजर आ रहा है, दिस इज माय फर्स्ट स्टैटिक वेबसाइट रनिंग इन मुंबई। तो इस लैब को आप जरूर करके देखें, बहुत दिलचस्प लैब है, इंटरेस्टिंग लैब है, EC2 इंस्टांस की बड़ी बेसिक लैब है। स्टैटिक वेब पेज कैसे बनाते हैं विंडोज सर्वर में विद इन 5 या 10 मिनट के अंदर, इतनी जल्दी तो मैगी नहीं बनती है जितनी जल्दी हमने वेब सर्वर बना दिया, ठीक है ना। तो यार यही बेनिफिट है क्लाउड का, ठीक है। अगर आपको मजा आ रहा है मेरी लैब देखने में तो इसको जरूर आप अपने फेसबुक पे शेयर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इसको, इसके बाद मैं आपको इसके लास्ट स्टेप और बता दूं कि इसे डिलीट कैसे करना है, क्योंकि आप इसे चलता ना छोड़ें। अगर आप बिल्कुल नए हैं अभी, आपको नहीं पता है क्लाउड के बारे में, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा चलता ना छोड़ें। तो आप इसे सिलेक्ट करें, उसके बाद एक्शन में जाएं, क्योंकि मैंने वहां पे डिसेबल ऑप्शन लगाया हुआ था, कि इनेबल ऑप्शन किया हुआ था प्रोटेक्शन में, तो वो डायरेक्टली डिलीट नहीं हो सकता। तो क्या करना पड़ेगा, इंस्टांस सेटिंग में जाएं, यहां चेंज टर्मिनेशन प्रोटेक्शन का ऑप्शन आपको नजर आएगा, आप इस पे क्लिक करें, यहां आप यस डिसेबल कर दें कि मैं डिसेबल करना चाहता हूं। अभी करंट में मेरा इनेबल है प्रोटेक्शन, तो मैं डिसेबल कर देता हूं। अब ये डिसेबल हो गया है, अब आप इसे टर्मिनेट कर सकते हैं। तो इंस्टांस स्टेट में जाइए, टर्मिनेट पे जाइए, यहां देखिए अब ये ऑप्शन आ रहा है, ठीक है ना। पहले यहां पे क्लिक नहीं कर सकते थे आप, अब आप इस पे क्लिक करें, ये देखिए टर्मिनेट होना शुरू हो गया। तो अब आपका ये सर्वर अपने आप बंद हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसे चलता हुआ ना छोड़ें, क्योंकि उससे फिर आपका बिना बात का आपका जो सर्वर की जो यूसेज है वो अपने आप होती रहेगी और आपका बिल बनेगा, तो मतलब वो 750 अगर घंटे खत्म हो गए तो बिल बनना शुरू हो जाएगा, तो आप वो ना करें। तो आप इसे डिलीट जरूर कर दें और जरूर बताइएगा ये लैब आपको कैसी लगी। मिलते हैं किसी नई लैब के साथ, ख्याल रखिए अपना और दुआओं में याद रखिए।